एम्बेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन मैप फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। दोस्तों मैप फंक्शन क्या है? मैप फंक्शन रिटर्न्स अ मैप ऑब्जेक्ट विच इज एन इटरेटर। मैप फंक्शन हमें एक इटरेटर रिटर्न करता है, किसके बाद जो इटरेटर किसी अदर इटरेटर का रिजल्ट है आफ्टर अप्लाइंग द गिवन फंक्शन। तो हमारा जो पहला इटरेटर होगा उस पर हम कोई फंक्शन अप्लाई करके जो भी आउटपुट इटरेटर होगा, जो भी आउटपुट रिजल्ट होगा, वो हमें मैप फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो देखिए, आपको प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा कि मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो ये मैप फंक्शन का सिंटैक्स है, मैप और पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन, जो भी फंक्शन हमें इटरेटर के ऊपर अप्लाई करना है और जिस इटरेटर के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है वो इटरेटर। सपोज मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ ए इक्वल 1 2 3 4। ये लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी। तो अभी मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के जो भी सारे एलिमेंट है उन्हें डबल करना है और उसे अलग लिस्ट में स्टोर करना है। तो मैं फॉर लूप लगा के भी कर सकता हूँ। अभी देखिए मैं मैप का यूज कैसे कर सकता हूँ इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को डबल करने के लिए। इससे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा डबल नाम का, जिसके अंदर हम एलिमेंट दे देंगे। सपोज एलिमेंट एन है, मीन्स लिस्ट का हर एक एलिमेंट, और उसको क्या करेंगे, रिटर्न एन इंटू टू, मीन्स डबल करना है तो एन इंटू टू कर दिया और ये फंक्शन हो गया हमारा क्रिएट। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिजल्ट है वो रेस में स्टोर कर दूंगा। मैप पहला पैरामीटर क्या है, फंक्शन। तो यहाँ मैं फंक्शन दे दूंगा, कौन सा फंक्शन है, डबल। फिर नेक्स्ट क्या देना है हमें, इटरेटर। तो हमारा इटरेटर है ए, जो कि लिस्ट है। और अभी देखिए रिजल्ट में मुझे इन सब एलिमेंट्स की डबल वैल्यू मिल जाएगी। अभी रिजल्ट में मुझे सब इटरेटर्स मिल गए। अभी मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा एज ए लिस्ट। तो इस रिजल्ट को हम लिस्ट में, टपल में या सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी हमें इटरेटर मिलेगा उसे। तो लिस्ट में कन्वर्ट करके मैं प्रिंट कर दूंगा। तो देखिए ये आ जाएगी लिस्ट डबल वैल्यू होके। ये था हमारा ए लिस्ट, और इस ए लिस्ट की सारी वैल्यू डबल हो गई यूजिंग मैप फंक्शन। मैप के अंदर हमने ये डबल फंक्शन यूज किया और उस फंक्शन के अंदर ए इस इटरेटर के सारे एलिमेंट पास कर दिए। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा हम मैप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन देना है और उसके बाद इटरेटर जो देना है, जिस भी इटरेटर के एलिमेंट्स में आपको चेंज करना है वो इटरेटर। देखिए और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमें सपोज स्क्वायर निकालना है एन नंबर का, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न एन इंटू एन कर दूंगा। तो ये हो, हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए ये सार फंक्शन लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, बी के अंदर स्टोर कर दूंगा ए लिस्ट, जो हमारी ए लिस्ट है उस सब एलिमेंट्स के स्क्वायर। तो मैप फंक्शन का यूज करके उसमें फंक्शन डाल दूंगा एस आर स्क्वायर, और जो हमारा इटरेटर है ए वो डाल दूंगा, और ये बी के अंदर ये इटरेटर हमारा जो रिजल्ट इटरेटर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा। तो यही से मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। बाद में प्रिंट करते समय मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने लिस्ट में बी में लिस्ट स्टोर कर दी, ए जो लिस्ट है उसके सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर। और अभी लिस्ट बी में प्रिंट कर दूंगा, तो देखिए सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर बी में आ गए हैं। अगर हम कोई इनपुट ले रहे होंगे उस समय हम कैसे मैप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मुझे एक लिस्ट इनपुट लेनी है, सपोज मुझे यल नाम की एक लिस्ट इनपुट लेनी है। तो यल इक्वल टू लिस्ट, क्या इनपुट लेनी है, लिस्ट। फिर हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे मैप, और मैप में हमें दो आर्गुमेंट्स देने जरूरी है, पहला तो फंक्शन और दूसरा जो भी हम इनपुट लेंगे वो। तो सपोज मुझे नंबर्स की लिस्ट लेनी है इंटेजर्स की, तो मैं पहले इंट डाल दूंगा, जो फंक्शन है इंट, मतलब जो भी हम इनपुट लेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटेजर में और लिस्ट का एलिमेंट बन जाएगा। पहला इंट फंक्शन डाल दिया, और सेकेंड में जो इटरेटर होंगे हमारे वो डाल दूंगा। तो इटरेटर हम कैसे लेंगे, डायरेक्टली यहाँ इनपुट ले लेंगे
इनपुट, अगर हमें इटरेटर चाहिए तो अगर सिर्फ हम इनपुट लेंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग आ जाएगा, और अगर हमें हर एक एलिमेंट को सेपरेट करना है जो भी हम इनपुट लेंगे उसमें से, तो हमें कुछ तो सेपरेटर ऐड करना पड़ेगा या किसी भी कैरेक्टर से हमें उसे सेपरेट करना पड़ेगा ताकि इटरेटर के हर अलग अलग एलिमेंट्स हमें पता चले। तो यहाँ इनपुट लेंगे और जो भी इनपुट होगा उसे हम स्प्लिट कर देंगे स्पेस से। तो यहाँ सिर्फ मैंने स्प्लिट डाल दिया, तो इनपुट एक एक एलिमेंट इनपुट आ जाएगा, वो इंट फंक्शन में चला जाएगा, उस मैप फंक्शन की वजह से उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी इंट में कन्वर्ट होके। तो देखिए अभी यल में मैं इनपुट लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांच एलिमेंट्स हो जाएंगे यल इस लिस्ट में स्टोर। और अभी देखिए यल, देख के यल क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यल ए लिस्ट है। तो हमने क्या किया, सिंपली इनपुट लिया, इनपुट को हमने स्प्लिट कर दिया स्पेस से। तो ये हो गया हमारा इटरेटर, इसे आप सेपरेटली लिख के फिर उस वेरिएबल को यहाँ पास कर सकते हैं। फिर जो इटरेटर के जो एलिमेंट्स है उसे हमने कहा क्या किया, इंट इस फंक्शन में पास किया। इंट फंक्शन में पास करने के बाद वो सारे एलिमेंट्स की क्या बन गई, लिस्ट बन गई, जो कि हमने जो इटरेटर को डायरेक्टली लिस्ट फंक्शन में डाल दिया, इसलिए वो लिस्ट बन गई। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको पाइथन में मैप फंक्शन कैसे यूज़ करना है ये समझ में आ गया होगा, इनपुट लेते समय मैप को कैसे यूज़ करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।